मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट यानी कि देश की सबसे हॉट सीट में से एक है राजगढ़ लोकसभा सीट, क्योंकि यहां से उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोडमल नागर यहां पर उम्मीदवार है, लेकिन खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह सड़कों पर है और सड़कों पर निकल के आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए किस तरह की पदयात्रा यहाँ पर चल रही है। प्रीत सिंह यहाँ से जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। सिंह साहब, कैसा लग रहा है आपको माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। राय साहब के प्रति लोगों की बहुत सहानुभूति है, बहुत विचार कर रहे हैं कि काम करने वाले व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं और काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थकते तो नहीं है आप लोग चल के उनके? कोई नहीं थकते है। सुना आपने, प्रीव्रत सिंह है ये, पूर्व मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और किस तरह से भीड़ है, मैं अपने कैमरे को ऊंचा करके दिखाता हूँ किस तरह की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और आम लोगों का यहाँ पर क्या कहना है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सेवा दल से लग रहा है मुझे, सेवा दल से राकेश मालवी, सेवा दल से। मालवी जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ राजा साहब चुनाव जीतेंगे। राजगढ़ जिला आदरणीय राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है। संपूर्ण हिंदुस्तान और पूरे विश्व में राजगढ़ जिले को आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के नाम से ही जाना जाता है, और निश्चित इस बार एक विकासकर्ता चुनाव लड़ रहा है जो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, और एक घोटालेबाज व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिन्होंने सैकड़ों तरह के अलग अलग घोटाले किए। किनको कह रहा हो घोटालेबाज, किनको कह रहा हो? जो भारतीय जनता पार्टी रोडमल नागर, रोडमल जी नागर, जिन्होंने गेहूं कांड आप सभी ने देखा है, लेकिन कोई सरकार, उन्हीं की सरकार के कारण पूरा छुपा दिया गया। कल एक किसान रो रहा था कि मेरी पट्टे की भूमि को हड़प लिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आदरणीय राजा साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित राजगढ़ जिला राजा दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है, और पूरी जनता यहाँ के युवाओं में जोश है कि 33 साल बाद जब राकेश मालवीय जैसा नौजवान, बचपन में बालपन में मेरी एज ही 1 साल की होगी, उस समय आदरणीय राज साहब चुनाव यहाँ से लोकसभा का लड़े थे, इसके बाद से निरंतर फिर वो समय आया है जब हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि राजा साहब यहाँ से संसद चुनाव के जाएंगे। 77 साल की उम्र में पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आप जैसे युवाओं को ऊर्जा मिलती है इससे? पूरी ऊर्जा मिल ही तो रही है, पूरे मध्य प्रदेश और राजगढ़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, और राजा दिग्विजय सिंह जी की ऊर्जा है जिसे गांव गांव और घर घर यहाँ के कार्यकर्ता तो सुन लिए। एक बुजुर्ग भी हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप में भी ऊर्जा? हाँ, ऊर्जा है सर, बहुत ऊर्जा है मेरे में, 70 साल की उम्र है मेरे। आप भी चल रहे हैं कि पैदल? राजा पैदल चल रही है साहब। कितना चलते हैं? 15-20 किलोमीटर। अच्छा, हम भी कहना चाहते हैं मोदी, आप पूछ रहे थे कि घोटालेबाज किन्हें कहा जा रहा है, हम कहना चाहते हैं घोटालेबाज आदरणीय सांसद मोदी को कहा जा रहा है। कारण क्या है कि विकास के नाम पर उन्होंने 10 साल में खुद की 1500 बीघा जमीन खरीदी है, इसके अलावा राजगढ़ जिले में कोई 1 रुपए का भी विकास उन्होंने नहीं किया है, और इस बार डंके की चोट पे राजा साहब जीत रहे हैं और जीत कर ही आएंगे राजगढ़ लोकसभा। इस बार जीत के जाएंगे राजा साहब ने, राजा साहब के नाम पे वोट डल रहा है, राजा साहब जीत के जाएंगे। रोडमल जी उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलेंगे, फिर भी नहीं मिलेंगे। हम राजा साहब के नाम पे जो राजा साहब है उनकी वजह से आज राजा साहब की वजह से आज 5000 पब्लिक 25 किलोमीटर प्रतिरोज पैदल चल रही है। किनकी वजह से? राजा साहब की वजह से। और राजा साहब इस बार अनुमानित कम से कम 2 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे, और इसके पश्चात में ये जितने भी लोग है ये 60-70 टन चांदी वाले नहीं है, ये 100 टन चांदी वाले है, ये पार्ट है प्योर, ये बदलने वाले नहीं है, इसलिए सभी राजा साहब के साथ में। एक बार फिर से आपसे आ रहा हूँ, आपसे बात करने आ रहा हूँ, एक तस्वीर दिखा दूं कैमरा पर्सन का, हुआ किस तरह से महिलाएं अपने घरों की छतों से बाहर आकर देख रही हैं। दरअसल राजा सड़कों पर है तो आखिर जनता क्यों ना घरों से बाहर निकले, हजारों की तादाद में जनता यहाँ पर घरों से बाहर निकली है। और आप कुछ बता रहे थे? रोडमल नागर जी की 10 साल की सांसद निधि देख लो, टैंकर और प्रतीक्षालय के अलावा कुछ भी नहीं बना, 1 का 2 हुआ है। 2,30,000 रुपए का टैंकर है, 60,000 में बनता है, 90% से ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है पिछले सांसद निधि 90% से ऊपर टैंकर और प्रतीक्षालय में दी गई है। एक भी गांव में, इस गांव में पूछ लो, 1 रुपया भी दिया हो। विकास की कमी है? अरे खाली डबल पैसे कमाना, 60,000 में टेलर बना। विकास रोड पे आके मिल रही राजा साहब से महिलाओं, अरे महिलाओं तक रोड पे आके मिल रही राजा साहब के लड़ने। आप भी बता रहे? हां, मैं कह रहा हूं एक आदमी 10 साल से सांसद है रोडमल नागर, जो आज तक हमारे क्षेत्र में कभी आया नहीं है, और एक आदमी वो है जो 33 साल से इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा है, पर हर आदमी की सेवा करता है, पूरे जिले की सेवा करता है, और जिले में उसके नाम से पूरे देश में जिले को पहचाना जाता है, राजगढ़ जिले को। निश्चित रूप से राजा साहब जीतेंगे और निस्वार्थ सेवा करते हैं, एक भी परिवार
एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने राजा साहब का काम नहीं कहा हो। आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए, राजा साहब ने निरंतर इस देश की सेवा की है, हमें उसको एहसान बटाने का मौका मिला है। हम निश्चित रूप से राजा साहब को विजय बनाएंगे, राजा साहब इस क्षेत्र से सांसद बनकर लोकसभा में जरूर जाएंगे। राजा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभा में आपको दिखाऊं, मेरे पीछे की तरफ एक सभा यहाँ पर चल रही है, लोग यहाँ पर मंच से संबोधित कर रहे हैं, काफी तादाद में महिलाएं भी मंच पर मौजूद हैं। कुछ इस तरह का जलवा राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का दिखाई दे रहा है, महिलाएं भी बैठी हुई मंच पर है और कुछ ही देर में दिग्विजय सिंह खुद जो कि अभी पीछे की तरफ है वहां से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ है, देखने में तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह का माहौल बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, राजगढ़।